अच्छा जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं जनाब। आज चैप्टर टू हम स्टडी करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज हम चैप्टर नंबर टू के ऊपर आ गए हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स। तो आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ये एजेंट्स क्या होते हैं, एनवायरमेंट क्या होता है जिस एनवायरमेंट में ये एजेंट्स वर्क करते हैं, ये पियास फ्रेमवर्क क्या है रिलेटेड टू एजेंट्स, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ एजेंट्स, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी, और एट द एंड हम एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। तो ये आज की क्लास का हमारा एजेंडा है। होपफुली ये सारी चीजें हम आज कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट। पिछली क्लास में भी हल्की फुल्की हमारी डिस्कशन हुई थी अबाउट एजेंट्स, और मैंने बताया था कि एजेंट एक एक्चुअली हम एक चीज ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं जो करने की कोशिश करती है, और हर एजेंट के अंदर कुछ वो कुछ परसीव करता है एजेंट, और उसके नतीजे में कोई एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ डेफिनेशन में नजर आ रही है, एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग अपॉन डेट एनवायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। यानी दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो है जनाब सेंसर्स, और दूसरी चीज है एक्चुएटर। तो आप देख सकते हैं कि नीचे डायग्राम के अंदर भी आपको एक तो नजर आ रहा है एजेंट, ठीक है, और राइट साइड में है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से परसीव कर रहा है एजेंट सेंसर्स के थ्रू, और एनवायरमेंट पे ही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है बाय यूजिंग एक्चुएटर्स। अच्छा, ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है ये बेसिकली समझ लें कि हमारा कोर्स है। जो इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेंसर्स के थ्रू एक्चुएटर को हम कुछ पास करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब हम यहाँ इस कोर्स में पढ़ेंगे। जाहिर है इस कोर्स के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि सेंसर्स कैसे बनते हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि एक्चुएटर्स कैसे बनते हैं, बल्कि ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये हमारा इस कोर्स का टॉपिक है। बहरहाल होता क्या है कि एजेंट सेंसर्स की मदद से कुछ परसीव करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, और फिर बेस्ड ऑन सेंसर से जो कुछ भी इनपुट उसको मिला है उस इनपुट को यूज करते हुए एक्चुएटर्स एक्शंस परफॉर्म करता है। यह एक एजेंट है, यहां पर एजेंट आ गया और ये एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये कहलाती है एजेंट फंक्शन, और यही वो एजेंट फंक्शन है जो कि बेसिकली हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एजेंट के ऊपर ही हम जरा मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। कोई भी जो एजेंट होगा जिसको हम डेवलप करेंगे तो उस एजेंट के अंदर उसका जो एजेंट फंक्शन है, यानी कि बीच में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वो बेसिकली मैप करता है जो भी परसेप्ट सीक्वेंस आ रही है उसको एक एक्शन में। तो असल जो एजेंट के अंदर समझ लें ब्रेन है, या असल जो चीज है वो उसका एजेंट फंक्शन है, और ये जो एजेंट होता है इसमें उसका आर्किटेक्चर भी है और जो कुछ भी प्रोग्राम वगैरह हमने उसके अंदर लिखा है वो भी है। तो यहां पे एक चीज ये लिखी हुई कि एजेंट्स बिहेवियर,
एजेंट बिहेवियर से मुराद ये है कि एजेंट किस तरह करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके अंदर मौजूद एजेंट फंक्शन के ऊपर। मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स होते हैं और हर एजेंट डिफरेंट किस्म का बिहेवियर शो करता है, तो वो जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है एजेंट के फंक्शन के ऊपर। डिफरेंट टाइप के एजेंट फंक्शंस हो सकते हैं और ये हर फंक्शन का काम सिंपल एक ही होता है कि जो भी उसको परसीव करेगा, वो परसेप्ट करेगा, उसको वो कन्वर्ट कर देगा एक्शन में। ठीक है, एजेंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, ह्यूमन एजेंट्स भी हो सकते हैं। ह्यूमंस को अगर हम एक एजेंट कंसिडर करें तो ह्यूमन के अंदर एक्चुअली सेंसर्स क्या क्या होंगे और एक्चुएटर्स क्या क्या होंगे। अगर एक ह्यूमन को हम एक एजेंट कंसिडर करते हैं तो ह्यूमन की जो आईज हैं, नोज है, ईयर्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं, ये सारे उसके सेंसर्स हैं। यानी हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं, परसीव करते हैं और उसके बेसिस पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, या हम अपनी नाक से कुछ सूंघते हैं, परसीव करते हैं और उसकी बेसिस पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, या हम अपने कान से सुनते हैं और परसीव करते हैं और फिर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक ही सेंसर से हम कुछ परसीव कर रहे होते हैं, तमाम सेंसर से बहुत सारी चीजें हम एक साथ परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी हम आंखें बंद कर लें तो हाथ से हम छू कर भी परसीव कर सकते हैं। तो ये जो हम परसीव करते हैं, परसीव करने के बाद फिर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ह्यूमन के अंदर क्या क्या एक्चुएटर्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारा मुंह है जिससे हम बात करते हैं, या हमारे लेग्स हैं जिससे हम चलते हैं, हमारे हाथ हैं जिससे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे हम डिफरेंट किस्म के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल दी आपको वो सिर्फ इसलिए दिए कि आपको जरा एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एजेंट होता क्या है। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन एजेंट की ये एग्जाम्पल अगर हम जहन में रखें तो इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बनाते हैं रोबोटिक एजेंट्स। रोबोटिक एजेंट्स के अंदर सेंसर्स क्या हो सकते हैं? रोबोटिक एजेंट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन है जिसकी मदद वो कुछ सुन रहा है, या कीबोर्ड्स हैं जिसकी मदद से उसमें कोई इंस्ट्रक्शन इंटर की जा रही है, या कोई सेंसर लगा हुआ है टेम्परेचर रीडर का जो टेम्परेचर को रीड कर रहा है और उसकी बेसिस पे सेंसर्स को इनपुट दे रहा है। अच्छा, ये जो लोग सारे परेशान हुए हैं टेलीग्राम और गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए, तो बेटा ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, आज कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास अटेंड कर लें, क्लास अटेंड करने के आपके पास आराम से टाइम होगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि रोबोटिक या जो एक्चुअल एजेंट्स हैं वो क्या हैं। तो उनके अंदर भी जाहिर है कुछ सेंसर्स होते हैं और फिर उनके कुछ एक्चुएटर्स होते हैं। एक्चुएटर से मुराद ये है कि कोई मशीन है रोबोट और वो चल रहा है, तो उसको चलने के लिए एक मोटर चाहिए, तो उस मोटर को स्टार्ट करेगा हमारा एजेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये रोबोटिक एजेंट्स होंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि देयर आर एजेंट्स, एजेंट्स कहां कहां होते हैं? तो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है कि एवरीवेयर, हर जगह पे आपको एजेंट्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आजकल आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की आपको जो डिवाइसेस मिल रही हैं, मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन भी अपने सेंसर्स के थ्रू बहुत कुछ डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद बाय यूजिंग इट्स एजेंट फंक्शन वो एक्चुअली क्या करता है कि कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है।
घर में आपके एक एसी लगा हुआ है जिसको आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं और टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर वो एसी कुछ इस किस्म का है कि बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर वो खुद अपने आप को एडजस्ट करे, तो हम कहेंगे कि उसमें एक एजेंट फंक्शन मौजूद है और एक सेंसर मौजूद है जो रूम का टेम्परेचर नोट कर रहा है और उसकी बेसिस पे अपने रूम का टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस किस्म की किसी कोई भी एग्जांपल आप ले लें, जैसे कि कोई कार है और वो खुद ब खुद चल रही है, ऑटोमेटिक कार है, और वो अपने सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट कर लेती है कि आगे कोई और गाड़ी है, तो वो क्या कर जाए, क्या करे, रुक जाए, तो इसका मतलब उसमें भी एक एजेंट फंक्शन मौजूद है जो क्या कर रहा है कि अपने सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट करके कार को चला रहा है, रोक रहा है या उसकी स्पीड कम ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये है जनाब एजेंट्स। अब एजेंट की एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एजेंट की ये एक एग्जांपल है वैक्यूम क्लीनर। अब ये जो वैक्यूम क्लीनर है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये समझ लें आपका वैक्यूम क्लीनर है और दो रूम्स हैं, एक है रूम ए और एक है रूम बी। हर ऑब्जेक्ट में एजेंट नहीं होता है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जहां पर एजेंट होगा वहां पर एआई यूज हुई हुई है। हाँ बेटा, जहां एजेंट यूज होगा वहीं पे हम कहेंगे कि एआई यूज हो रही है। मैंने एग्जांपल दी ना कि एक एसी है जिसको आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं और उसका टेम्परेचर खुद ही कम ज्यादा करते हैं, तो वो उसमें कोई एजेंट नहीं है। लेकिन एक एसी ऐसा है, एयर कंडीशनर, जो रूम टेम्परेचर को खुद ब खुद ही डिटेक्ट करके उसकी बेसिस पे अपना टेम्परेचर कम ज्यादा खुद ही कर रहा है, तो उसके अंदर हम कहेंगे कि एक एजेंट मौजूद है। ठीक है, या जैसे कार की मैंने एग्जांपल दी कि कार खुद ही रुक रही है, खुद ही स्टॉप हो रही है बेस्ड ऑन इट्स एनवायरमेंट, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें एक एजेंट है। सही है, जो लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन वो सिंपली चैट रूम में पेस्ट कर दें। मैं क्योंकि स्लाइड शो चला रहा हूं तो मुझे सिर्फ चैट अभी नजर आ रही है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि ये आपके पास वैक्यूम क्लीनर की एक एग्जांपल है और इसके अंदर दो रूम्स हैं, एक है ए और एक है बी। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो आपको डायग्राम के अंदर कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये है डर्ट, कुछ गंदगी यहां पड़ी हुई है। वैक्यूम क्लीनर का काम यह है कि इसको, इन कमरों को साफ करना है। ठीक है, तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसके अंदर ये भी जहर है, कुछ परसीव करेगा और उसकी बेसिस पे कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा। ये क्या क्या परसीव कर सकता है? ये परसीव कर सकता है लोकेशन। अच्छा, लोकेशन क्या क्या हो सकती है? लोकेशन या तो हो सकती है ए या लोकेशन हो सकती है बी। ठीक है, अच्छा, कंटेंट दूसरा जो परसीव करेगा ये वैक्यूम क्लीनर, वो कंटेंट करेगा। कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं? कंटेंट इसके अंदर जो ये परसीव कर सकता है वो एक तो है डर्टी, यानी कि रूम क्या है, डर्टी है, और दूसरा है क्लीन। यानी कि दो चीजें ये परसीव करेगा एजेंट हमारा। पहली चीज परसीव करेगा लोकेशन, जो कि आइदर ए हो सकती है या बी हो सकती है। दूसरी चीज ये परसीव करेगा कंटेंट। कंटेंट का मतलब है या तो वो डर्टी है या क्लीन है। मिसाल के तौर पे ये देखें कि इसके अंदर जो इनपुट हो रहा है ना, वो आपको नजर आ रहा है ए कॉमा डर्टी। ए से मुराद लोकेशन ए है
और कॉमा डर्टी से मुराद है कि वो डर्टी है। तो यूं समझ लें कि एक इसके पास जो है ना वो एक टेबल सा बना हुआ है और उस टेबल के अंदर बेसिकली क्या हुआ हुआ है कि ये दोनों इनपुट होते हैं। अब इनपुट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? एक पॉसिबिलिटी तो है जनाब कि ए है और डर्टी है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए है और क्लीन है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बी है और डर्टी है, और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि बी है और क्लीन है। माशाल्लाह राइटिंग मेरी बड़ी अच्छी है माउस के साथ। तो ये मैं यहां से ये रेस कर देता हूं। अच्छा, आप बेसिकली होता क्या है कि इस टेबल के अंदर ये लिखा हुआ है जनाब कि अगर ए है और डर्टी है तो ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और एक्शन क्या है जनाब, ये परसीव कर रहा है, परसीव। ये चार पॉसिबल चीजें कर सकता है, ए डर्टी, ए क्लीन, बी डर्टी, बी क्लीन। तो अगर ए है और डर्टी है तो ये एक्शन परफॉर्म करता है सक का। आप इसके एक्शन देखिए, ये चार एक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेफ्ट राइट सक और नो ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर ए है डर्टी है तो ये सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक्शन क्लीन नहीं होगा। क्लीन एक्चुअली एक कंटेंट है जो कि ये परसीव करता है, यानी इसको पता चलता है कि भाई रूम क्लीन है या डर्टी है। एक्शन इसके ये चार है जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ना, एक्शन लेफ्ट राइट सक और नो ऑपरेशन, ये चार ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर ए है और डर्टी है, रूम ए है और उसका जो कंटेंट है वो डर्टी है तो ये सक करेगा, अगर ए क्लीन है तो ये राइट में मूव कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर बी है और डर्टी है तो ये फिर सक करेगा, सही है। और बी है और क्लीन है तो ये लेफ्ट पे मूव कर जाएगा, और ये काम ही करता रहेगा देखें ये सिंपल है, वैक्यूम क्लीनर है, इसका जो टास्क है वो ये है कि रूम ए और बी को इसने साफ करना है। अब ये इनपुट दो चीजें ले सकता है, पर जो सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर वो दो ही ले सकते हैं, या तो एक सेंसर इनपुट करेगा कि कौन सा रूम है, दूसरा इनपुट करेगा कि वो क्लीन है कि डर्टी है, ठीक है। तो लोकेशन इसकी या तो ए हो सकती है या बी हो सकती है। ये जो ए और बी है ये इसकी लोकेशन है, कंटेंट डर्टी या क्लीन है, यानी इस तरह का इनपुट करता है ये सेंसर्स, सेंसर के थ्रू। अब इसके पास ऐसा टेबल बना हुआ है कि अगर ए और डर्टी है तो इसने सक करना है, यानी कि क्लीन करना है, रूम को साफ करना है, और अगर ए है और क्लीन है तो ये दूसरे रूम में चला जाएगा, यानी कि राइट साइड पे मूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी है और डर्टी है तो ये बी को क्लीन करेगा यानी सक करेगा, और बी और क्लीन, बी डर्टी है तो सक करेगा, बी क्लीन है तो लेफ्ट पे मूव कर जाएगा। अच्छा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि हम इस एजेंट को स्टॉप नहीं कर देते,
जब इसको स्टॉप कर देंगे तो फिर ये नो ऑपरेशन का एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। एजेंट फंक्शन जो है इस ए क्लीन पे लेफ्ट पे क्यों नहीं जाता, इसलिए कि ए के लेफ्ट पे कुछ है ही नहीं बेटा, ए के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, ए के राइट पर है, ठीक है। तो ये तो हमने उसको इनपुट दिया हुआ है ना, ये तो हमारे ऊपर है, आप ये टेबल हमने बनाया हुआ है, ये हमारा एजेंट फंक्शन है। तो ये जो एजेंट फंक्शन है इसमें आप जो कोड लिखेंगे वही एग्जीक्यूट करेगा ये, और ये सेंस कैसे करेगा, बाय यूजिंग सेंसर्स, हार्डवेयर लगा हुआ होगा उसकी मदद से ये सेंस करेगा, ठीक है। एम्प्टी कंडीशन से मुराद क्या है भाई, एम्प्टी कंडीशन तो कोई नहीं होती, सेंसर्स कुछ ना कुछ इनपुट तो लेंगे ना, अगर कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा तो वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब वो स्टॉप हुआ हुआ है। ये रिएक्ट किस तरीके से करेगा, इसके अंदर एक्चुएटर्स लगे हुए होंगे, मोटर्स लगी हुई होंगी और उनके थ्रू होगा। यहाँ पे मैं कोडिंग तो नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूं अभी कि ये किस तरीके से काम होता है, लॉजिक क्या है इसकी। उसके लिए जाहिर है यहाँ पर हार्डवेयर लगा हुआ होगा, हाँ ये भी हो सकता है कि आप इसके अंदर कोडिंग कर दें कि भाई जब दोनों जगह क्लीन हो जाए तो खुद ब खुद ही टर्न ऑफ हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, कितनी देर में सक करेगा, टाइम कैसे मेजर करेंगे बेटा, ये सब चीजें इसके अंदर आप कर सकते हैं, जितना आप एडवांस बनाना चाहें बना सकते हैं। इसमें सेंसर ज्यादा से ज्यादा लगा दें और उनकी बेसिस पे एक्शंस आप बढ़ा दें। मैं तो सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि ये एक सिंपल सा वैक्यूम क्लीनर है, हल्का फुल्का सा बच्चों वाला, जिसमें ये चार किस्म के परसीव हो सकते हैं और चार एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए, नॉर्मली अगर आप कोई स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर लेंगे तो उसमें बहुत सारे एक्शन होंगे, सिर्फ ये चार एक्शन नहीं होंगे, ठीक है। वो इसी तरह की चीजें देखेगा कि टाइम कितना लग रहा है, कंप्लीट कैसे हो गया। बेटा इससे बहुत एडवांस वैक्यूम क्लीनर बन चुके हैं, ये तो बहुत मैं हल्की फुल्की सी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो एजेंट फंक्शन बेसिक यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये एजेंट क्या क्या परसीव करता है, ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, और ये इसका एजेंट फंक्शन है। एजेंट फंक्शन क्या है, मैपिंग फ्रॉम परसेप्ट्स टू एक्शंस, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल थी कि हमारे पास जो एक एजेंट होता है उसमें कुछ इनपुट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये एजेंट ने परसीव किया है, परसेप्ट्स होते हैं उसके, और वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है बाय यूजिंग सम एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स भी हार्डवेयर होते हैं, और जो परसीव ये करता है वो बाय यूजिंग सेंसर्स करता है, और जाहिर है इसमें कोई एजेंट फंक्शन होता है जो कोई कोडिंग यूज करता है उसके लिए एक ये टेबल यूज करता है जिसको लुकअप टेबल भी कहा जा सकता है। चलें जी, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रैशनल एजेंट्स के ऊपर। तो ये हमने कल भी बात की थी कि जो हम जिस चीज में हम सक्सेसफुल हो चुके हैं वो है एक्ट रैशनली। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस अ रैशनल एजेंट शुड सिलेक्ट एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू मिस इट्स परफॉर्मेंस मेजर गिवन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द परसेप्ट सीक्वेंस एंड वट एवर बिल्ड इन नॉलेज द एजेंट हैज। यानी कि कोई भी जो रैशनल एजेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे जिसकी मदद से उसको पता होगा कि इस पर्टिकुलर परसेप्ट के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करना है, और उसको हम रैशनल एजेंट कहेंगे जब वो करे ये कि ऐसा एक्शन सेलेक्ट करे जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो जाए। यानी कि वो कुछ इंसानों की तरह बिहेव करने की कोशिश करे।
ठीक है, मिसाल के तौर पे एक आपकी कार चल रही है, ये एक कार है, ठीक है, अब ये रोड पे चल रही है, ये रोड है। अब क्या हुआ कि इसके आगे एक और कार है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने ये सेंसर्स लगे हुए हैं जो अगली कार को देख रहे हैं। अब हमने यहां चेक ये लगा दिया कि जब इसको अगली कार के रेड सिग्नल नजर आए तो स्टॉप हो जाओ, जैसे ही रेड सिग्नल नजर आए स्टॉप हो जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब यहां जो एजेंट लगा हुआ है ना, उसको हम कहेंगे कि वो एक रैशनल एजेंट है, इंसानों की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। रैशनैलिटी होती क्या है, उसके लिए चार चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। वो चार चीजें क्या हैं? द परफॉर्मेंस मेजर दैट डिफाइंस द क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस, द एजेंट प्रायर नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट, द एक्शंस दैट द एजेंट कैन परफॉर्म, द एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट। यानी इसको आप इस एग्जांपल से समझ लें कि रैशनैलिटी क्या है। मुझे जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बात समझाई थी कि हमें अपने एक्सपेक्टेड, हमें करना क्या है कि जो भी हमारा गोल है, यूटिलिटी है, उसके लिए परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमम है। अब डिफाइन ही करना है कि परफॉर्मेंस मेजर है क्या। मिसाल के तौर पे मुझे यहां से सदर जाना है, तो परफॉर्मेंस मेजर ये भी हो सकता है कि जल्दी जाना है, परफॉर्मेंस मेजर ये भी हो सकता है कि आराम से जाना है, कंफर्ट के साथ जाना है, परफॉर्मेंस मेजर ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी के साथ जाना है, इसमें वो भी इन्वॉल्व है ना। मैंने वही कहा ना कि परफॉर्मेंस मेजर डिफाइन करने की जरूरत होती है ना। तो अगर परफॉर्मेंस मेजर ये है कि भाई जल्दी जाना है तो टाइम सीक्वेंस उसके अंदर काउंट होगी, परफॉर्मेंस मेजर ये है कि कंफर्ट में जाना है तो टाइम ना काउंट नहीं होगी, फिर कंफर्ट काउंट होगा, या परफॉर्मेंस मेजर ये है जनाब कि हमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो फिर शायद टाइम इतना काउंट ना हो। तो यानी कि जब भी हम रैशनैलिटी की बात करते हैं तो ये मुख्तलिफ हो सकती है फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट। जैसे मैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके नजदीक कोर्स पास करना ही बहुत कुछ सब कुछ होता है, कुछ के नजदीक कोर्स पास नहीं करना होता, वो चाहते हैं कि नहीं जी हमारा ग्रेड आए, ठीक है। तो ये रैशनैलिटी डिफरेंट एजेंट्स के अंदर डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन के हम चाहते क्या है। यानी सक्सेस से मुराद क्या है, सक्सेस जो है ना वो एक रैशनल टर्म है, ये आपने कई दफा टर्म सुनी होगी कि भाई कामयाबी से क्या मुराद है। तो कामयाबी एक रैशनल टर्म है, कोर्स में तो वो भी कामयाब हो जाएगा जिसके 60 नंबर आएंगे, वो भी हो जाएगा जिसके 90 आएंगे। तो अब कौन कामयाब हुआ है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीजों को परसीव कर रहा है, वो चाह क्या रहा है, ठीक है। फिर इसमें रैशनैलिटी में एजेंट की प्रायर नॉलेज भी होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक्शन एजेंट क्या क्या कर सकता है। अब एजेंट कोई एक्शन कर ही नहीं सकता और उसको हम अपना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये कि एजेंट की जो परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट है वो क्या है, वो क्या क्या परसीव करता है, अब तक क्या परसीव कर चुका है, ये सारी चीजें रैशनैलिटी में काउंट होती हैं। आसान अल्फाज में समझ लें कि कोई भी जो एजेंट है, जो भी एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, जो भी गोल वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमने सक्सेस को क्या डिफाइन कर रखा है, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये जो रैशनल एजेंट होते हैं हमारे, उन रैशनल एजेंट्स को हम एक फ्रेमवर्क के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
The properties of a rational agent is grouped under a framework to study agent. और वो कहलाता है पियास, यानी PEAS. यहां पर P से मुराद है परफॉर्मेंस, E से मुराद है एनवायरमेंट, A से और S से मुराद है सेंसर्स. तो ये चार चीजें जो किसी भी एजेंट की, रैशनल एजेंट की परफॉर्मेंस को, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है. ठीक है, तो अब जैसे एक हमारे पास इंटेलिजेंट असिस्टेंट है जिसको हम Amazon Echo कहते हैं. Amazon Echo क्या चीज है, ये आप समझ लें Siri की एडवांस फॉर्म है. आप लोगों में से Siri यूज किया है किसी ने आईफोन में? आईफोन यूज करने वाले तकरीबन तमाम यूजर Siri यूज करते हैं. इसी तरीके से सैमसंग के अंदर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो भी Siri लाइक ही है. उसमें आप वॉइस कमांड्स देते हैं. ये Amazon ने अपना एक Echo लॉन्च किया था, ये भी Siri टाइप का ही है, GS Voice Samsung के अंदर. इसी तरह विंडोज के अंदर Cortana है, तो Amazon Echo भी इसी टाइप की चीज है. बस ये आप अपने रूम में रख देते हैं और फिर इससे आप बात करते हैं. मिसाल के तौर पे म्यूजिक चला दो या कोई लाइट्स ऑन ऑफ, इस तरह के इसके अंदर फीचर्स होते हैं. तो ये आपकी बात सुन के, और मतलब आप इसको एज अ मोबाइल फोन समझ लें, इससे आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट किस्म के एक्शन इस पर परफॉर्म कर सकते हैं. रूम में रखा रहता है और ये नोट करता रहता है अपने सेंसर्स के थ्रू रूम की चीजों को. और अगर आप एक स्मार्ट होम हो आपका, तो इसकी मदद से आप अपने घर की चीजों को कर सकते हैं, यानी कि अपने घर के अंदर टीवी ऑन ऑफ कर दें. लेकिन उसके लिए जाहिर है स्मार्ट होम होना जरूरी है. ठीक है, एलेक्सा और एको ये सब चीजें यही हैं. तो अब इसको अगर हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस क्या होगी, इसका एनवायरमेंट क्या है, इसका एक्चुएटर्स क्या है, इसके सेंसर्स क्या है, ये चार चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी. तो जनाब परफॉर्मेंस क्या है इसकी, परफॉर्मेंस मेजर क्या है इसका? इसका जो परफॉर्मेंस मेजर है वो है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वॉइस कमांड. इसके पास कोई कीबोर्ड नहीं है. ठीक है, तो इसका जो परफॉर्मेंस मेजर है वो ये है कि जो कुछ भी इसको कहा जाए इसको प्रॉपरली समझ में आ जाए. जितना बेहतर तरीके से ये समझेगा उतना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. ठीक है, एनवायरमेंट क्या है इसका? इसका एनवायरमेंट घर भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, और उस घर या ऑफिस में कोई नॉइस भी हो सकती है. ठीक है, ये सब चीजें इसको एनवायरमेंट में मिलेंगी. इसके एक्चुएटर्स क्या हैं? ये बोलेगा, इसको स्पीकर चाहिए. फिर इसको दूसरे डिवाइसेस से कनेक्शन चाहिए. मिसाल के तौर पे आपका स्मार्ट होम है, तो उस स्मार्ट होम के अंदर दूसरी चीजों से ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ होगा, तो ये इसको चाहिए. ये इसके एक्चुएटर्स हैं. इसमें सेंसर्स कौन से लगे होंगे? माइक्रोफोन होगा जिसकी मदद से ये वॉइस को सुनेगा, हीट सेंसर होंगे जिसकी मदद से ये टेम्परेचर नोट करेगा, जीपीएस लगा हुआ होगा जिसकी मदद से लोकेशन चेक करेगा. इस तरह की और बहुत सारे इसमें सेंसर्स लगे हुए होंगे जिसकी मदद से ये बहुत सारी चीजें जो है वो सेंस करके उसकी बेसिस पे कुछ आउटपुट जनरेट करेगा एक्चुएटर्स के थ्रू. बात समझ में आ रही है? वैक्यूम क्लीनर की जो हमने एग्जांपल ली, तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा, एनवायरमेंट क्या होगा,
एक्चुएटर्स क्या होंगे, सेंसर्स क्या होंगे, तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वो उसकी लेवल ऑफ क्लीनलीनेस होगी, कितनी सफाई कर रहा है वो, उसकी बैटरी लाइफ क्या है, बहुत जल्दी तो नहीं वो खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, फिर सिक्योर है कि नहीं है, आसानी से कोई भी उसको जो है वो अपने हैक कर ले या उसके अंदर चीजों को देख ले, ये उसके परफॉर्मेंस मेजर है। एनवायरनमेंट क्या है जनाब इसका, इसका एनवायरनमेंट रूम हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, और टेबल के अंदर, टेबल के साथ साथ कारपेट भी हो सकता है एनवायरनमेंट में, कोई ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जो उसके सामने आ जाए जिससे टकरा जाए, और भी बहुत सारी चीजें इसके एनवायरनमेंट में हो सकती है। तो इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट में मौजूद चीजों को सेंस कर सके। एक्चुएटर्स क्या होंगे, ये सक कर सके, सक्शन कर सके, या ये कि वेट और ड्राई मॉप्स पोछा लगा सके, इसके अंदर व्हील्स होने चाहिए जो इसको मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे। सेंसर्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर कैमरा हो सकता है, या इसमें गायरो सेंसर होता है जिससे इसको अंदाजा होगा कि रूम में मट्टी तो नहीं फैली हुई, गन तो नहीं है। इसी तरह ऑब्स्टिकल सेंसर होना चाहिए, वॉल सेंसर होना चाहिए जिससे इसको अंदाजा हो कि सामने कोई दीवार तो नहीं है या कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ गया। ये चीजें इसके अंदर, यानी आपने किसी भी रैशनल एजेंट को डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए ये चार चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, और ये चार चीजें जब आप बताते हैं तो वो उसकी प्यास डिस्क्रिप्शन कहलाती है। हर रैशनल एजेंट की प्यास डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, क्लियर है, ठीक है जनाब। तो अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एक रैशनल एजेंट को डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट मिल सकते हैं, वो फुली ऑब्जर्वेबल भी हो सकते हैं और पार्शियली ऑब्जर्वेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का हमें जरा कंपैरिजन करना है। ये जो एजेंट के सेंसर होते हैं ये एनवायरनमेंट का कंप्लीट सेंस देते हैं उसे हर वक्त, मतलब मुस्तकिल ये काम कर रहे होते हैं कि सेंसर्स एक एजेंट फंक्शन को ये बता रहे होते हैं कि एक्चुअली अब एनवायरनमेंट की क्या सूरत हाल है, स्टेट क्या है एनवायरनमेंट की। तो इस ये जो स्टेट उसको मिल रही होती है ये फुली ऑब्जर्वेबल भी होती है और पार्शियली ऑब्जर्वेबल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस किस्म का एनवायरनमेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक गेम है जो अक्सर अखबारों वगैरह में आता है, मैगजीन्स में आता है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि आप जो है ना वो मिसाल के तौर पे एक खास लेटर से शुरू कर रहे हैं, इधर से शुरू कर रहे हैं, बहुत मशहूर गेम है और बहुत सारे लोग खेलते हैं इसे। तो या ये जो गेम है इसका जो एनवायरनमेंट है ना वो फुली ऑब्जर्वेबल है, आपको पूरा नजर आ रहा है, इसको आप कहेंगे फुली ऑब्जर्वेबल। इसी तरीके से ये चेस का गेम है, यहां पर आपको पूरा एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, क्या क्या पॉसिबल, जी क्रॉसवर्ड कहलाता है ये, क्या क्या पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, ये कहलाता है जनाब चेस का गेम। इसमें हर तरह के जो भी आप स्टेप्स ले सकते हैं वो यहीं पे नजर आ रहे हैं आपको। इसी तरीके से टिकटॉक, तो ये गेम है, ये भी फुली ऑब्जर्वेबल है, हर तरह की मूव आपको पता है, ये सारी फुली ऑब्जर्वेबल की एग्जाम्पल्स है। पार्शली फुली ऑब्जर्वेबल, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी चल रही है, अब ये गाड़ी जब यहां चल रही है
तो वैसे तो ये पूरा सेंस करेगा, लेकिन मसला ये है कि अगर इसके फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे कोई गाड़ी है तो उसके पीछे जो गाड़ी होगी ना वो इसको नजर नहीं आएगी। नहीं एक्सिस नहीं है, मतलब ये कि इन्वायरमेंट अगर पूरा नजर आपके एजेंट को नजर आ रहा है तो वो फुली ऑब्जर्वेबल है। अब जैसे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये गाड़ी है, अब ये लेफ्ट साइड पे देख सकती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो गाड़ी है उसके पीछे भी कोई गाड़ी होगी तो वो उसका नजर नहीं आएगी। या जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर है तो वैक्यूम क्लीनर दीवार के दूसरी तरफ तो नहीं देख सकता ना। अब अगर वो दूसरी तरफ भी उसके एनवायरमेंट में शामिल है, एक तो बात ये कि एनवायरमेंट में शामिल ही नहीं है, AI की क्लास चल रही है या नहीं चल रही है भाई? भाई इसको बता दो चल रही है। सैयद अमीन कादरी। अच्छा मैं ये बता रहा था कि ये कहलाता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल। जैसे वैक्यूम क्लीनर की मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई अगर उसका एनवायरनमेंट दो कमरों का है और वो एक कमरे में मौजूद है, तो जब वो एक कमरे में मौजूद होगा तो दूसरे कमरे का एनवायरनमेंट उसको नहीं नजर आएगा, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। जब दूसरे में होगा तो पहले का उसको नहीं पता चलेगा। तो ये एनवायरनमेंट में दोनों रूम शामिल हैं, लिहाजा ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल की कैटेगरी में आएंगे ये दोनों। हाँ आप कह सकते हैं एक पॉइंट पे एक्सिस दे, बस ये कि आप समझ लें आसान अल्फाज में, अगर एजेंट को पूरा एनवायरनमेंट पता चल रहा है तो वो फुली ऑब्जर्वेबल है, नहीं आ रहा तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। क्या समझ नहीं आ रहा भाई इसमें? देखें भाई ये वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, मैंने आपको वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल दी ना। अब वैक्यूम क्लीनर है, अब इसका जो एनवायरनमेंट है वो दो रूम्स हैं, एक रूम है ए एक रूम है बी, बीच में दीवार है। अच्छा अब हुआ ये है कि यहां पर दरवाजा है, इधर गेट है, ठीक है, ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है। अब ये करता ही है कि यहां मौजूद है, इधर इसको चेक करता है, अगर ये क्लीन है तो फिर ये इधर से दरवाजे से होता हुआ बी में जाता है, फिर बी को चेक करता है, फिर बी क्लीन है तो फिर बी से वापस ए में आता है, ठीक है। तो जब ये ए में मौजूद होगा तो इसको बी की चीजें नजर नहीं आ रही होंगी, जब ये बी में होगा तो ए की चीजें नजर नहीं आ रही होंगी। तो हम कहेंगे कि ये जो इसका एनवायरनमेंट है ना इस वैक्यूम क्लीनर का, वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। अच्छा अगर ये एक ही रूम होता और उसी को साफ करना इसका काम होता तो ये पूरा रूम इसको नजर आ रहा होता, तो यही इसका एनवायरनमेंट है, तो हम कह देते इसका एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है। तो एजेंट के पास तो कैपेबिलिटी होगी पूरा ऑब्जर्व करने की, लेकिन बाज़ोकात जो एनवायरनमेंट होता है ना वो इस तरीके का होता है कि वो फुली तरीके से ऑब्जर्व हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कार चल रही है, अब उस कार के सामने कोई कार आ गई तो वो उसको तो देख लेगा, लेकिन अब उसके पीछे जो कार है वो कैसे देखेगा, ठीक है, तो वो उसको नजर नहीं आएगी। लिहाजा हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से आप जो है वो गेम खेल रहे हैं, ताश का गेम खेल रहे हैं, तो अब एनवायरनमेंट में आपके पत्ते भी हैं और दूसरे बंदे के पत्ते भी हैं, तो इस एनवायरनमेंट में दूसरे बंदे के पत्ते आपको ऑब्जर्वेबल नहीं है, लिहाजा ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल की कैटेगरी में आएगा।
हाँ, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है और फुली ऑब्जर्व. एनवायरनमेंट जो है ना वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है और स्टॉक डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक. क्या चीज है कि एनवायरनमेंट की जो नेक्स्ट स्टेट है. सर उसका एनवायरनमेंट किस पर डिपेंड होता है? किसका एनवायरनमेंट? आवाज सही नहीं आ रही. आवाज किस किस को सही नहीं आ रही भाई? अच्छा मैं बता रहा था कि जो एनवायरनमेंट है वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है और स्टोकेस्टिक भी हो सकता है. डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये है कि नेक्स्ट स्टेट पिछली स्टेट से डिटरमाइन होती हुई आए, इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक. करंट स्टेट से डिटरमाइन हो. देखिए मिसाल के तौर पे लोगों ने कंपाइलर में या ऑटो में ये देखा होगा कि डायग्राम्स देखी होंगी कि मिसाल के तौर पे एक और S1 से आता है S2, 2 से आता है S3. फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट है. अब अगर मैं S1 से S3 पे जाना जा सकता, यहां पर मुझे S1 से अगर जा भी सकता हूं तो S2 पे जाऊंगा. S2 से अगर जाऊंगा, अच्छा देखिए मिसाल के तौर पे ये इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है. फिर S3 से S4 है और S4 से फिर S1 है. हेलो, वालेकुम सलाम जी रिजवान. आवाज कट रही. अच्छा चले मैं देखता हूँ. ठीक है देखता हूँ. अच्छा जी, वैसे आप लोग ज्यादा परेशान हो, अगर नेटवर्क की वजह से आवाज कट भी रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को. ठीक है, और जिन लोगों के पास नेटवर्क का इशू आ रहा है उनको ये फील हो रहा होगा. मेरे पास भी हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, तो कोई इशू नहीं है. हमारे पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. और रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर कोई इशू आता है हम उससे टेलीग्राम पे या गूगल क्लासरूम वगैरह पे डिस्कस कर सकते हैं. कोई इशू नहीं. अच्छा मैं ही कह रहा था कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. नहीं, इससे पहले एडिंग हुई है वो आपको वहां पर मिल जाएगी गूगल क्लासरूम में. ठीक है, तो उसमें आपको कोई वॉइस नहीं जाती हुई नजर आएगी. ये तो क्लासरूम रिकॉर्डिंग है ना, ये अलग है वो अलग है. अच्छा मैं ही कह रहा था डिटर्मिनिस्टिक ये है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर S1 पे हूं तो मैं S2 पे जा रहा हूं. अब S2 से मैं S1 पे नहीं जा सकता, S2 से फिर मैं S3 पे जा सकता हूं, S3 से S4 पे जा सकता हूं और फिर S4 से S1 पे आ सकता हूं. तो यानी एक स्टेट से कौन सी स्टेट पे जा सकते हो, हो सकता है S2 से S4 पे भी जा सकते हो. तो यानी कि एक स्टेट से किसी और स्टेट पे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो लिमिटेड है, डिटर्मिनिस्टिक होती है. अच्छा ऐसा नहीं है आप एक स्टेट से किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं, तो वो स्टोकेस्टिक होती है.
अच्छा ये भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट आपका इस तरीके का हो कि उसमें एक से ज्यादा एजेंट मौजूद हो, ठीक है, और एक एजेंट के जो स्टेट है वो किसी और एजेंट पे डिपेंड कर रही हो, तो फिर उसको हम स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट हो गए डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक, सही है। जैसे ये आपको एक एग्जांपल भी नजर आ रही है यहां पर, यहां पर आप देखें कि ये गेम है। अब ये जो गेम हम इंडोर गेम्स में भी देखते हैं, तो इसमें जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो उसकी बेसिस पे मजीद आपको ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं। ये डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। इसी तरीके से ये टिकटॉक तो आप खेल रहे हैं, यहाँ क्रॉस लगाया है, तो अब आप जीरो कहाँ लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि उसने कहाँ क्रॉस लगाया, ये भी डिटर्मिनिस्टिक है। इसी तरीके से ये जो लीडो आप खेलते हैं तो ये स्टोकेस्टिक है, वैसे स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। गाड़ी चल रही है आपकी, ये भी एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक है। यार एक दफा मैं सुन लिया करो ना, एक दफा मैं क्यों नहीं समझ आता, दोबारा बता दें सर। स्टोकेस्टिक ये है कि जो नेक्स्ट स्टेट है आपकी, जो भी नेक्स्ट स्टेट है एनवायरनमेंट की, वो प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड ना कर रही हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट ना चेंज होता रहता है, अभी इसके एनवायरनमेंट में चार कारें हैं, हो सकता है थोड़ी देर में इसके एनवायरनमेंट में जीरो कार्स हो, सही है, तो इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो अब इसका एनवायरनमेंट प्रीवियस एनवायरनमेंट वाली स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लिहाजा ये स्टोकेस्टिक कहलाएगी, सही है। एपिसोडिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, सीक्वेंशियल भी हो सकता है। एपिसोडिक क्या है कि जो एजेंट का एक्सपीरियंस है, अगर हम उसको एटॉमिक एपिसोड में डिवाइड कर दें तो एपिसोडिक कहलाता है, और अगर हम ये करें कि चॉइस ऑफ एक्शन हर एपिसोड के अंदर वो उस एपिसोड के ऊपर ही डिपेंड कर रही हो, तो ये एपिसोडिक होता है। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक एजेंट है, अब ये बेसिकली होता है और पिक्चर्स वगैरह दूसरे किस्म के एक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो हम इसकी हर स्टेट को, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको एपिसोड्स में डिवाइड कर दें, और हर एपिसोड के अंदर उसके जो एक्शन है वो उसी एपिसोड पर डिपेंड करते हो, किसी और एपिसोड पे ना करते हो। यानी मिसाल के तौर पे जैसे आप ये समझ लें कि एक जैसे सीरियल होता है, टीवी सीरियल होता है, उसमें इस तरह की एपिसोड हो कि हर एपिसोड की अलग कहानी है, तो वो एपिसोडिक हो गया। लेकिन ये कि एक ही कहानी जो है ना वो मुख्तलिफ एपिसोड में चलती हुई आ रही है, तो वो सिक्वेंशल हो गया। तो हमारे पास एनवायरनमेंट ऐसा हो कि उसमें हर एपिसोड के अंदर परफॉर्म होने वाले एक्शंस अलग हो, तो वो एपिसोडिक हो गया, अदरवाइज फिर वो सीक्वेंशियल है। ये जो हम लीडो खेलते हैं तो लीडो जो है ना वो सीक्वेंशियल है, ठीक है।
इसी तरह स्टैटिक और डायनेमिक एनवायरनमेंट होते हैं, यानी जब कोई एजेंट कुछ डेलिब्रेट कर रहा हो तो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, तो वो स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जब एजेंट को एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट है। मिसाल के तौर पे ये कार्ड गेम है, तो आप कोई भी चाल चलें तो ये चेंज नहीं होगा आगे पीछे, तो ये स्टैटिक एनवायरनमेंट है। चेस खेल रहे हैं, स्टैटिक एनवायरनमेंट है। लेकिन अब यहाँ ये एक एजेंट है जो टेम्परेचर नोट कर रहा है और बहुत सारी चीजें भी नोट कर रहा है, उसकी बेसिस पे कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, या आप जैसे ये सीटी स्कैन कर रहे हैं या कोई और एमआरआई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट मुस्तकिल तौर पे चेंज हो रहा है। डिस्क्रीट एनवायरनमेंट भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फर्क है? मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लियरली डिफाइंड परसेप्ट एंड एक्शन हो तो वो डिस्क्रीट होता है। डिस्टिंक्ट परसेप्ट एंड एक्शन होने चाहिए तो उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट से मुराद के अलग अलग हो, लेकिन अगर वो इस तरीके से हो कि जैसे चेक, अब जैसे चेकर है, ये डिस्क्रीट एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ना वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि वो हर डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर उसके जो परसेप्ट और एक्शंस हैं वो कंटिन्यूस होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। यानी एक कार जब चल रही है तो वो चलते चलते एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके जो परसेप्ट है और एक्शन है वो डिफरेंट नहीं है, वो वही है। तो ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस एनवायरनमेंट की एग्जांपल आएगी। देखें ये जो एनवायरनमेंट है इसका, ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, लिहाजा ये कंटिन्यूस की एग्जांपल है। इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। जबकि डिस्क्रीट के अंदर ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट में क्या है कि वो एक खास डायरेक्शन में जा सकता है और फाइनाइट है। फिर एनवायरनमेंट आपके सिंगल एजेंट भी होते हैं, मल्टी एजेंट भी होते हैं। अगर कोई एजेंट अपने आप को खुद ऑपरेट कर रहा है एनवायरनमेंट में तो वो सिंगल एजेंट है, ये सिंगल एजेंट है, ये भी सिंगल एजेंट है, ये भी सिंगल एजेंट है। लेकिन यहां पर अब एक से ज्यादा एजेंट आ गए, हो सकता है कंप्यूटर कंप्यूटर से ही खेल रहा हो, आप खुद भी तो एक एजेंट है ना, तो ये मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट की एग्जांपल है। चेस का गेम, टिकटॉक तो मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट की एग्जांपल है। इसी तरह एनवायरनमेंट नोन भी होते हैं और अननोन भी होते हैं। अगर एजेंट को एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज है तो वो नोन एनवायरनमेंट है, और अगर एजेंट को एनवायरनमेंट के बारे में मालूमात नहीं है तो वो अननोन एनवायरनमेंट है। अब देखें यहां पर आपको एक टेबल के अंदर डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट बताए गए हैं और उनकी एग्जांपल्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पे क्रॉसवर्ड पजल जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल होता है, लेकिन सिंगल एजेंट होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, सिक्वेंशियल होता है, स्टैटिक होता है और डिस्क्रीट होता है। जबकि चेस जो है वो क्लॉक के साथ फुली ऑब्जर्वेबल होता है, मल्टी एजेंट होता है। इसी तरीके से इमेज एनालिसिस फुली ऑब्जर्वेबल होती है, टैक्सी ड्राइविंग पार्शियली ऑब्जर्वेबल होती है। तो ये अगर आप ये चार्ट देख लें, टेबल देख लें, तो इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। डिस्क्रीट बेसिकली ये है कि जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो फाइनाइट है,
ठीक है, ये डिस्क्रीट की हमने एग्जांपल देखी थी ना यहाँ पर पीछे। देखें चेकर्स जो है ना वो डिस्क्रीट है, या ये जावा ट्यूटर के ये एक वो खुली हुई है, ये डिस्क्रीट है। इसके अंदर जो परसेप्ट और एक्शन है वो डिस्टिंक्ट है। सेमी कलव जो है ना वो बहुत सारे के साथ यूज होता है, मिसाल के तौर पे फुली और पार्शली के दरमियान है तो उसको हम सेमी ऑब्जर्वेबल कह देते हैं, या डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक के दरमियान है तो सेमी डिटर्मिनिस्टिक या सेमी स्टोकेस्टिक कह देते हैं। तो सेमी का लफ्ज जो है ना वो, फिर इमेज एनालिसिस में आपको ये सेमी नजर आ रहा है तो ये एक्चुअली स्टैटिक और डायनेमिक के दरमियान की कोई चीज है, तो वो सेमी उसको आप जो है ना वो एनवायरमेंट कह रहे हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सेमी इन बिटवीन हो जाता है ना कहीं, मिसाल के तौर पे वो आप उसको किसी ना फुली में रख पा रहे हैं ना पार्शली में रख पा रहे हैं तो उसको आप सेमी कह देते हैं। चले जी, ये हो गई कंटिन्यूस नहीं, सारे एनवायरनमेंट नहीं होते। बेसिकली हम उसको बता, हम ये कैटेगराइज करते हैं कि इसका एनवायरनमेंट किस कैटेगरी में आता है। किसी का एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। मतलब अगर मैं आपसे इन फ्यूचर कहता हूँ कि भाई इस एग्जांपल के अंदर एजेंट का जो एनवायरनमेंट है वो फुली ऑब्जर्वेबल है तो बात आपकी समझ में आ जाए, या मैं आपसे कहता हूँ कि इस एग्जाम्पल में स्टैटिक एनवायरनमेंट है तो बात आपकी समझ में आ जाए, या मैं आपसे कहता हूं कि इस एग्जांपल में डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है तो बात आपकी समझ में आ जाए। ये सिर्फ कैटेगरीज हैं और डिफरेंट हर एजेंट की कोई ना कोई किसी ना किसी इन कैटेगरीज के अंदर वो लाई करता है। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज जो आज हमने डिस्कस करनी है, यार ये अब देख लेना, वो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना हैदर हदीर, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लेना बाद में। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एजेंट्स, जिस तरह डिफरेंट टाइप के हमारे पास एनवायरनमेंट होते हैं इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के हमारे एजेंट्स होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं, गोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये सब के सब जो है ना वो लर्निंग एजेंट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। और होते क्या क्या, इनको जरा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है इसमें आपके पास होता है एनवायरमेंट और एजेंट, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, और सेंसर्स के थ्रू ये कुछ सेंस करता है। और यहां पर बेसिकली एक समझे आप, एक लुकअप टेबल होता है। ये लुकअप टेबल की टर्म आपने, अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हो या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ाओ, तो उसमें जो टर्म यूज होती है ये समझ लें वही है लुकअप टेबल। इसमें वही है कि आपके पास जो है ना वो एक्शंस होंगे और परसीव के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे। तो कंडीशंस यानी कि ये है तो ये करें, ये है तो ये करें। तो ये एजेंट क्या करते हैं कि करंट परसेप्ट की बेसिस पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, करंट परसेप्ट की बेसिस पे एक्शन सेलेक्ट करते हैं, परसेप्ट हिस्ट्री को नहीं देखते। ठीक है, बहुत लिमिटेड होते हैं, कुछ मखसूस ही काम कर सकते हैं।
और खास बात यह है कि इनको जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो फुली ऑब्जर्वेबल चाहिए होता है, यानी इनको पूरा एनवायरनमेंट पता होगा तो ये एक्शन कोई परफॉर्म करेंगे, सही है। ये कहलाते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। रिकॉर्डिंग में भी वॉइस लग गई होगी? नहीं नहीं बेटा, वो रिकॉर्डिंग अलग से हुई हुई है, वो ये तो आपकी क्लासरूम रिकॉर्डिंग है ना, ये अलग है, आपको जूम रिकॉर्डिंग के उसमें मिलेगी, एक अलग से रिकॉर्डिंग हुई थी ये वो आप, ठीक है। अभी क्या आवाज, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई सो गए क्या? कट कट कर आ रही है। अच्छा अब बेहतर है। अच्छा जी, तो ब्रेक कर लें क्या 15 मिनट का? क्लास का तो ऑफ करने का तो मैं अभी नहीं, 40 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा भाई, तो चले मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग अगर नाश्ता करना चाह रहे हैं तो कर लें यार, कोई मसला थोड़ी है, आप घर में ही बैठे हैं, ठीक है। मैं फिर 10:30 तक ऑफ कर दूंगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ तो बात कर रहे थे हम रिफ्लेक्स एजेंट की। रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं, उसमें सबसे पहली कैटेगरी रिफ्लेक्स एजेंट्स। ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं, इनको कुछ परसेप्ट मिलता है और ये कोई एक्शन रिटर्न करते हैं। इनके पास स्टेट होती है, पता चलती है, फिर कुछ और ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर। अब ये जो वैक्यूम के लिए रिफ्लेक्स एजेंट की एक एग्जांपल है कि स्टेटस इसका क्लीन हो सकता है, अगर स्टेटस डर्टी है तो ये सक करता है, लोकेशन ए है तो राइट पे चला जाता है, लोकेशन बी है तो लेफ्ट पे चला जाता है। तो बेसिकली ये कहलाते हैं जनाब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अच्छा, इसके मुकाबले में एक होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है कि इसमें कुछ चीजों का इजाफा हो जाता है, यानी यहां पे सिर्फ कंडीशन एक्शन रूल्स ही नहीं है, बल्कि यहां पर थोड़ा सा हम उसको इस तरह करने की कोशिश करते हैं के उसमें मॉडल आ जाता है। मॉडल से मुराद के
ह्यूमंस इस कंडीशन में किस तरह बिहेव करते हैं, यानी थोड़ा सा इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। इसमें बेसिकली रैशनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है मॉडल ऑफ द वर्ल्ड की। मिसाल के तौर पे एक कार है मेरे पास, गाड़ी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी कि उसके सामने एक और गाड़ी है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर ये इसमें रेड लाइट्स हैं इस कार के पीछे दूसरी कार के, अब पहली कार के आगे सेंसर्स लगे हुए, वो ये डिटेक्ट करें कि ये जो दूसरी कार है इसके अगर रेड लाइट्स ऑन होती हैं तो स्टॉप होना है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पे कि इसकी रेड लाइट्स अगर खराब हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये रेड लाइट जलाएगा भी तो इसको नजर नहीं आएंगी, नतीजे में ये चलता रहेगा। अच्छा, ह्यूमंस जो हैं वो रेड लाइट देख के स्टॉप करते हैं या कुछ और देख के भी स्टॉप करते हैं? तो ह्यूमंस अगर हम इसके अंदर मॉडल बनाएं तो ये क्या करेगा कि अपनी स्पीड चेक करेगा, इसकी स्पीड चेक करेगा, अपने और इसके दरमियान डिस्टेंस चेक करेगा और उसकी बेसिस पे डिसाइड करेगा कि क्योंकि ये कम स्पीड से जा रहा है, ठीक है, मैं ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं और हमारे दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो फिर ये अपनी स्पीड कम कर देगा, और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लोज हो रहा है तो ब्रेक लगा देगा। समझ में आ रही बात? तो यानी ये पिछले एजेंट के मुकाबले में काफी ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई हैं जो ह्यूमंस हम कर रहे होते हैं, तो ये कहलाता है मॉडल बेस्ड एजेंट। इसमें मॉडल का इजाफा हो जाता है, इसको हम कहेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर स्टेट रूल्स और एक्शन के साथ साथ मॉडल भी होता है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे फिर जो भी स्टेट अपडेट होती है वो मॉडल को भी यूज करती है। ये डिफरेंस है बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में एंड मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में। जो भी रूल मैच हो जाता है वो फिर बाकी, इसमें वो चीज मौजूद है, आपका लुकअप टेबल यहां है वो भी है, लेकिन मॉडल का यहां पर इजाफा हो गया। अच्छा, एक होता है गोल बेस एजेंट। गोल बेस एजेंट क्या होता है कि मॉडल भी होता है इसमें, इसमें लुकअप टेबल भी होता है, यहां पर अब हमने गोल रिलेटेड भी डिफाइन कर दिया होता है। इसमें हम करते ये हैं कि हमने कोई यूटिलिटी या गोल डिफाइन किया होता है, मतलब कार ने सिर्फ चलना नहीं होता है, ये कार जा रही है तो इसने सिर्फ चलना और रुकना नहीं है बल्कि इसकी कोई डेस्टिनेशन डिफाइंड है कि वहां तक जाना है। अच्छा, अब वहां तक जाने के एक दो तीन रास्ते हो सकते हैं, तो ये उन एक दो तीन रास्तों तीनों में से चेक करेगा कि कौन सा रास्ता क्विकर है, कौन सा रास्ता सेफ है, कौन से रास्ते में रश कम है, और उस तरफ मुड़ जाएगा क्योंकि इसका जो गोल है वो एक्चुअली यहां पर जाना है, तो यहां से जाने का ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा।
ठीक है। तो जब गोल या ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, मॉडल के साथ और आपके चीजें, तो वो बेसिकली आपका कहलाता है गोल बेस्ड एजेंट। यहां पर जो आपका लुकअप टेबल है ना, उसकी जगह पर गोल आ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होते हैं कि अगर मैं एक्शन ए करूंगा तो क्या होगा, एक्शन बी करूंगा तो क्या होगा, एक्शन सी करूंगा तो क्या होगा। तो ये दो चीजों का चेंज है इसके अंदर, ये मॉडल तो है लेकिन यहाँ पर लुकअप टेबल के बजाय गोल्स आ जाते हैं और यहाँ पर आप कंपेयर भी कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्शंस को। मॉडल बेस में लुकअप टेबल है, लुकअप टेबल की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है जो कि गोल है हमारे पास। बेसिकली इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि विच एक्शन विल टेक मी क्लोजर टू द गोल। अब वो गोल क्या है वो डिपेंड करता है एजेंट टू एजेंट, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ये गोल बेस्ड एजेंट। फिर आ जाता है आपके पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो होता है ये क्या करता है कि वो जो गोल अचीव करना है उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे सूटेबल वे क्या है, तो वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट कहलाता है। गोल बेस्ड एजेंट एक्चुअली फोकस करता है गोल हासिल करने पे, जबकि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट गोल को हासिल करने के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल वे पे जाने की कोशिश करता है। यानी यहां पर गोल का टर्म चेंज होके हो जाता ही है यूटिलिटी। यूटिलिटी से मुराद ये है कि गोल अचीव करने में मैं सबसे ज्यादा खुश कब होऊंगा, जिस गोल को अचीव करने का वो रास्ता, जिस रास्ते से मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा वो यूटिलिटी कहलाता है। ये जो यूटिलिटी फंक्शन होता है ये एजेंट का परफॉर्मेंस मेजर होता है, ठीक है। यानी ये एक्चुअल में जो एजेंट होना चाहिए ना वो ये वाला होना चाहिए, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस भी देख रहा होता है, गोल भी देख रहा होता है, आपका सारी मॉडल भी इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, स्टेट्स भी हैं, सारी चीजें इसमें मौजूद है। तो फिर ये जो सारे टाइप के एजेंट्स होते हैं, फिर एक और कैटेगरी, नहीं, गोल में और यूटिलिटी में जो डिफरेंस है वो बेसिकली ये है कि गोल गोल पे तो जाता है लेकिन वो इतना ये नहीं देखता कि गोल पे जाने का जो रास्ता है उसमें से कौन सा रास्ता सबसे सूटेबल है। वो उस टाइम मैंने बोल दिया था, लेकिन वो गोल में नहीं होता, वो यूटिलिटी में होता है, ठीक है। गोल में सिर्फ गोल पे जाना होता है, तो वो गोल पे जाने के लिए कोई भी अप्रोच यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन यूटिलिटी में वो तमाम सूटेबल रास्तों में से सबसे बेस्ट चूज करता है, ठीक है। तो लर्निंग एजेंट जो है, इन्हीं एजेंट जो है वो कोई ऐसा एजेंट हो जो अपने एक्सपीरियंस को यूज करता हुआ लर्न कर रहा हो, पहले से बेहतर हो रहा हो, तो उसको लर्निंग एजेंट कहते हैं। यानी वो एडॉप्ट कर रहा हो, इवॉल्व कर रहा हो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, तो वो लर्निंग एजेंट कहलाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले जाते हैं। इनिशियली इनको कुछ नहीं पता होता, फिर एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। इनमें लर्निंग एलिमेंट का कंपोनेंट होता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है, क्रिटिक होता है जो इसको बताता है कि कितना बेहतर कर रहा है, बेहतर कर रहा है या बुरा कर रहा है, और प्रॉब्लम जनरेटर होता है। ये चार इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट होते हैं जिसकी मदद से ये पहले से ज्यादा इवॉल्व कर रहा होता है। ये पहली क्लास में आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी लर्निंग एजेंट्स की, जिसमें सिमुलेशन के ऊपर कुछ एजेंट्स जो हैं वो खुद ब खुद ही इंप्रूव होते चले जा रहे थे। परसीव हिस्ट्री एजेंट स्टोर करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, वो अपने पास स्टोर करता है और वहां से कैसे एक्सपीरियंस लेता है। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये प्रैक्टिकल नोयत के हैं, ठीक है। अभी हम जो है ना सिर्फ डेफिनेशंस देख रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे ना तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब हम बकायदा कोडिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू ये काम करेंगे तो वहां आपको नजर आ रहा होगा कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी आप सिंपल समझ लें कि डेटा कहीं स्टोर कर रहा है और उसको रिट्रीव कर रहा है, ये लर्निंग एजेंट की अगर आप एक डायग्राम देखें तो यहां पर क्या है कि जो एजेंट है उसमें एक क्रिटिक है जो के क्रिटिसाइज करता है इसको, लर्निंग एलिमेंट है, प्रॉब्लम जनरेटर है और परफॉर्मेंस एलिमेंट है। लाइट के साथ गैस का जाना फ्री, अच्छा अच्छा मैं ही कह रहा था कि क्रिटिक जो है वो इसके अंदर मौजूद है, लर्निंग एलिमेंट मौजूद है, प्रॉब्लम जनरेटर मौजूद है, परफॉर्मेंस एलिमेंट मौजूद है, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे ये करता ये है कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे करता ये। अब होता क्या है कि भाई ये जो लर्निंग एलिमेंट है ना, ये जब भी एक्शन कोई परफॉर्म करता है तो ये क्रिटिक से पूछता है कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। अगर वो गलत हुआ है तो उसको वो फिर डिस्कार्ड कर देता है, अगर वो सही हुआ है तो उसको सेव कर लेता है, ठीक है, और इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। एजेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एटॉमिक भी हो सकती है, फैक्टर्ड भी हो सकती है और स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। क्या मतलब है? अगर एजेंट इस तरह का हो कि वो जो एनवायरनमेंट की डिफरेंट स्टेट हैं वो इंडिविजिबल हो, इंडिविजिबल से मुराद ये है कि उनका इंटरनल कोई स्ट्रक्चर ना हो, स्टेट जो है ना वो ब्लैक बॉक्स हो, ठीक है, तो वो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कहलाती है एजेंट के अंदर। मिसाल के तौर पे जब एक जगह से हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो एक जगह जो होती है उसकी इंटरनल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जो दूसरी जगह होती है उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, ये पहली जगह भी एक स्टेट है, दूसरी जगह भी एक स्टेट है। अब वो पहली जगह खुद कोई डिफाइंड वो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसकी। जबकि आप कोई चेस गेम खेल रहे हैं तो उसमें एक जब एक मूव से दूसरी मूव कर रहे हैं तो वो जो मूव होगी उस मूव के लिए खास स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कहलाती है एजेंट की। फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि स्टेट जो होती है उसके अंदर भी बहुत सारे सेट ऑफ वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी स्टेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें और होती हैं, तो वो फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। जैसे ये बी स्टेट है, बी स्टेट के अंदर भी कुछ चीजें मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन एल्गोरिथम है, प्रोपोजिशनल लॉजिक है, प्लानिंग है, बेजियन नेटवर्क है, मशीन लर्निंग वगैरह है, तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज होते हैं वो बेसिकली फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। ये एग्जाम्पल आएगी तो बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होती है कि जिसमें जो एजेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और एक का एक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये एक एजेंट है, ये एक एजेंट है, अब इस एजेंट ये एजेंट को एक्शन परफॉर्म करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इस किस्म की जो एजेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट बेसिकली, बस ये दो दो तीन स्लाइड्स रह गई हैं फिर हम इसको एंड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा है इंटेलिजेंट एजेंट्स को। इंटेलिजेंट एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई में एक्चुअली हम बनाते ही इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं जो कि यूजफुल हों, रिएक्टिव हों, ऑटोनोमस हों,
प्रोएक्टिव हो, सोशल हो। एजेंट करता क्या है, इन्वायरमेंट के थ्रू परसीव करता है और एक्ट करता है बाय यूजिंग एक्चुएटर्स। जो परफॉर्मेंस मेजर होता है वो उसके बिहेवियर को इवैल्यूएट करता है, और बेसिकली एजेंट का काम ये होता है कि वो अपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे, जिसको हम कहते हैं रैशनल एजेंट। एक पियास फ्रेमवर्क हमने आज डिस्कस किया, जिसमें हम ये बता रहे थे कि एजेंट को प्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसका पियास फ्रेमवर्क के थ्रू उसका जो परफॉर्मेंस है, एनवायरमेंट है, एक्चुएटर और सेंटर डिफाइन, सेंसर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। एजेंट होता क्या है, उसमें एक आर्किटेक्चर होता है कि वो सिंपल रिफ्लेक्स है या मॉडल बेस है या गोल बेस है या यूटिलिटी बेस है, और ये के उसमें उसका कोई ना कोई प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से वो एजेंट बनता है। फोर टाइप्स ऑफ एजेंट हमने यहाँ पर देख लिए। एजेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको हम वक्त के साथ इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एजेंट प्रोग्राम्स की हाई लेवल प्रेजेंटेशन हमने किया, इंटरनली हमने जाकर नहीं देखा। और जो प्री प्रेजेंटेशन होती है वो एजेंट्स की एटॉमिक भी हो सकती है, फैक्टर्ड भी हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, और इंक्रीजिंग, बस यही तीन हमने पढ़ी थी। तो ये आज की क्लास में हमने यहाँ पर